नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। दरअसल इस वक्त मेरे साथ मोहित शर्मा मौजूद है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की जो मुश्किलें बढ़ रही हैं उसी को लेकर बातचीत करेंगे और इन दिनों देश दुनिया में तमाम मुद्दे चल रहे हैं। आपको बताना चाहूंगी कि धीरेन्द्र शास्त्री ने भी एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो किसी के बाप से नहीं डरते हैं और हिंदू राष्ट्र वो बनाकर ही छोड़ेंगे। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर बात करना बेहद जरूरी है, चर्चा करेंगे तो निष्कर्ष निकलेगा। इसी के लिए मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगी, क्या कहेंगे जिस प्रकार से राहुल गांधी की तो अब पंगा लेना पड़ा, महंगा वाला हिसाब हो गया है। नहीं, कोई महंगा पड़ने वाला हिसाब नहीं होगा। आप ये समझ लीजिए, जो देश की जो डेमोक्रेसी थी, जो देश का जो लोकतंत्र था और जो देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, आज कहीं ना कहीं देश की मौजूदा सरकार उस कॉन्स्टिट्यूशन पे, उस डेमोक्रेसी के ऊपर प्रहार कर रही है। जिस प्रकार से राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द कर दी जाती है, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है संसद के ऊपर भी। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो अनुराग ठाकुर की संसद की सदस्यता क्यों नहीं रद्द करी जाती, जब वो स्टेटमेंट देते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो डैश को, उनकी क्यों नहीं रद्द होती। मालेगांव बम ब्लास्ट की आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, उनकी क्यों रद्द नहीं होती। जो लोग असेंबली में बैठ के पोर्न वीडियो देखते हैं, उनकी क्यों रद्द नहीं होती। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रेणुका चौधरी को सुपर्णखा बोलते हैं, तो उनकी क्यों रद्द नहीं होती। सवाल का जवाब दे दीजिए बस आप मुझे। मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं जानना चाहता हूँ, सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, एक समाज को टारगेट करना क्या ये सही है? ओबीसी समाज को टारगेट किया है मोदी पर। देखिए, मैं आपको एक चीज सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मोदी सर नेम से तात्पर्य सभी मोदी को नहीं था। सबको पता है जो चोर होता है उसको मिर्ची लगती है, और जो चोर है यानी नीरव मोदी चोर था, चोर है और चोर रहेगा। ललित मोदी देश का पैसा लेके भागा था, भागा है और भागा रहेगा। वो जब तक वो देश के अंदर नहीं आएगा, आके सरेंडर नहीं होगा, जेल में बंद नहीं होगा, तब तक उसको भगोड़ा ही साबित किया जाएगा। एक बात आप मुझे बताइए, मेरी बात सुनिए। जो भी व्यक्ति अगर देश की संपत्तियों को बेचता है या उन्हें नीलाम करता है, तो वो चोर की उपाधि ही ली जाएगी, उसको चोर की उपाधि दी जाएगी। ये संपत्ति किसी के बाप की नहीं है, ये संपत्ति इस देश की 133 करोड़ जनता की है, जो अपने खून पसीने का टैक्स पे कर तब जाके इन संपत्तियों का निर्माण कराती है, जिन्हें ये लोग नेता अपने बाप की संपत्ति समझकर बेचने का काम कर रहे हैं। तो क्या हम लोग बोलेंगे नहीं इस देश में रहकर? और दूसरी बात ये कि राहुल गांधी को कहा जाता है माफी मांगे, क्यों माफी मांगेंगे भाई? अगर कोई, अरे भैया मैं क्या बोलता हूँ, अगर कोई भारत की छवि बेकार कर रहे हैं इसलिए माफी मांगे। एक बात आप मुझे बताइए, भारत की छवि बड़ी अच्छी होती है ना इससे कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक महिला को सुपर्णखा कहते हैं, तो भारत का नाम रोशन होता है इससे, बताइए। तो अच्छा आप, अरे आप एक महिला है, प्रधानमंत्री के सुपर्णखा वाले बयान पे क्या कहेंगी, राइट है या रॉन्ग, अपनी स्टेटमेंट बताइए। तो वो तो कह ही रहे हैं कि विपक्ष बार बार टिप्पणियां करके छवि बेकार कर रहा है। अरे भैया मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप एक महिला हैं, नरेंद्र मोदी जी ने एक महिला को ये कहा, उसको सुपर्ण का कहा, तो ये सही है या गलत है? विवादित टिप्पणियां देना गलत है। नरेंद्र मोदी सुन लीजिए, 50 करोड़, सुन लीजिए, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा जाता है, कभी जर्सी गाय कहा जाता है, ये सही है या गलत है? बेटी बचाओ बेटी पटाओ कहा जाता है, सही है या गलत है? आप एक महिला है, आपसे पूछता हूँ, मुझे दीजिए इसका जवाब, सही है या गलत है? एक महिला की क्या ओपिनियन है? सुन लीजिए, रिपोर्टर को 2 मिनट के लिए साइड रखिए, एक महिला है, एक महिला होने के नाते क्या सोचती है? मैंने बोल दिया विवादित टिप्पणियां देना गलत है। क्यों घबराती है, मैं क्या बोलता हूँ, क्यों घबराती है देश की मीडिया, क्यों घबराती है प्रधानमंत्री से सवाल करने के लिए, क्यों घबराती है बीजेपी के नेताओं से सवाल करने के लिए? आपने सवाल किया अनुराग ठाकुर से कि अनुराग ठाकुर जी आप जवाब दीजिए, आपने बोला जनता ने जवाब दिया था, वो क्या दिया था जनता ने जवाब? नहीं, गृह मंत्री बोलते हैं ऐसा बटन दबाइए कि करंट शाहीन बाग में लगे, प्रधानमंत्री आपने देखा कि सुपर्णखा बोलते हैं, अनुराग ठाकुर बोलते हैं देश के गद्दारों को, डायरेक्ट गोली मारने वाली बात का प्रयोग करते हैं, ये सही है या गलत आप मुझे बताइए ना, क्यों नहीं होती उनके ऊपर कार्रवाई? दूसरी बात ये, साल 2004 में 12 दिसंबर साल 2004 में, आपको बताता हूँ मेरे पास में पूरा इसका डेटा भी है, 12 दिसंबर 2004 को सूरत के अंदर स्मृति ईरानी बोलती हैं कि गुजरात दंगे होने का, मैं बोलती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का जो है वो मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे, मुख्यमंत्री बने रहना एक शर्मनाक घटना है, मोदी जी को तत्कालीन इस्तीफा देना चाहिए, और अगर वो इस्तीफा नहीं देंगी तो मैं अटल बिहारी जी के सामने वहां प्रदर्शन करूंगी। इनकी कोई आइडियोलॉजी थोड़ी है, आज स्मृति ईरानी भाजपा ज्वाइन कर गई तो मोदी जी के उन्हीं के साथ में काम करने में लग रही है, ये समझिए इनकी कोई आइडियोलॉजी थोड़ी है। ये कश्मीर के अंदर वहां पर उनको अलगावादी कहकर अलगावादियों के साथ में महबूबा मुफ्ती के साथ में मिलके इन्होंने सरकार बनाई, इनकी कोई विचारधारा है, इनकी कोई आइडियोलॉजी है, इनकी कोई विचारधारा, कोई आइडियोलॉजी नहीं तो है विकास का नारा। अरे कौन सा विकास, राष्ट्र का नारा लेकर एक बात आप, अरे हिंदू राष्ट्र, एक बात मुझे बताइए, देश जो संविधान से चलता है वो आपको अच्छा नहीं लगता? दूसरी बात ये कि ये जो गोबर और गोमूत्र का सेवन करने वाले लोग जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, इनसे ज्यादा समझदार एक गाय का बछड़ा है
जिसको पता है कि गाय का अगर दूध पीऊंगा तो मुझे ताकत मिलेगी, वो गाय का दूध पीता है, ठीक है, गाय का मूत्र नहीं पीता। ये लोग गाय का गौमूत्र और गोबर खाने वाले लोग, ये हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। चलिए आप हिंदू राष्ट्र पे मांग करिए ना, एक काम करिए, आपने औरंगजेब रोड का तो नाम आप बदल सकते हैं, क्या आप लोग अकबर रोड का नाम बदल सकते हैं? हैदम नरेंद्र मोदी में चलिए बदलवा दीजिए अकबर रोड का नाम, बताइए। वो नहीं बदलवा सकते, अरे ऐसा लग रहा है। मेरी बात तो सुन लीजिए, 1398 में, 1398 में, ठीक है, तैमूर भारत में आया था, पूरी तरीके से लूट के भारत को कंगाल करके चला गया था। 1556 तक भारत रहा, टोटल 158 साल भारत देश पर उसने राज किया, ठीक है, उसके बाद पूरा भारत को खाली कर दिया था। उसके बाद इस देश पर, इस देश की पृष्ठभूमि पर अकबर ने राज किया। 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर ने शासन के एक साम्राज्य खड़ा किया, और इसको जो है, जो आज मैं आपको बता दूं, उनकी पॉलिसी को जो है आज भी भारत देश की गवर्नमेंट जो है वो फॉलो करने का काम करती है। जो रेवेन्यू जो पॉलिसी जो है ना, ये अकबर की पॉलिसी है जिसको भारत देश की सरकार फॉलो करती है। आप अकबर का ही पढ़ा है या कांग्रेस का भी कुछ पढ़ा है? ये एक मिनट, अकबर का इतिहास बीजेपी का है? नहीं, बीजेपी का ही पढ़ा हुआ है, क्योंकि आप टिप्पणी उन पर कर रहे हैं। आप कांग्रेस में भी बताइए ना, जब इमरजेंसी आई तो कितने लोगों को नुकसान हुआ था, उस पे क्यों नहीं बोलते? मेरी बात सुनिए, अगर कांग्रेस ने गलतियां करी, आज लोगों ने तब्दीली करी, बदलाव किया ना करा, अब मोदी जी भी वही कर रहे, तो फिर क्यों रखे उनको कुर्सी पे? आप तो डिफेंडर होती है मोदी जी को, नहीं मेरे बात, अरे मेरी बात तो सुनिए, जो लोग आज इस देश में देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं, वो इस देश को संविधान से चले, डेमोक्रेसी में आजादी है लोगों को बोलने की, राइट टू स्पीच की आजादी है, आज कोई प्रोटेस्ट करता है उसके ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशन की जो धज्जियां उड़ा रहे हैं, संविधान की जो आपने धज्जियां उड़ाकर रख दी है, आपने इस जातिगत प्रणाली के तहत जो है, जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उनको किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है, आपको नहीं पता क्या? और उसके बाद में भी कहां से हुई थी? मेरी बात, सामना कब से करना पड़ा? मैं कहता हूँ, एक मिनट सुनिए, मैं कहता हूँ शुरुआत कभी से भी हुई हो, क्या समापन नहीं हो सकता? नहीं हो सकता समापन? हो सकता है, नहीं हो सकता है? नहीं कर रहा समापन, वही तो जानना चाह रही हूँ मैं। क्यों एक बात आप मुझे, गवर्नमेंट एक्ट लेके आ जाए, गवर्नमेंट कानून लेके आ जाए कि अगर कोई भी इस देश के अंदर अपनी जाति को छो करेगा उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो। सीधी सी बात है, आप एक ही बात बताइए, हम इंडियन है, सीधी सी बात है, भारतीय कहने में आपको शर्म आती है? है? हमें शर्म नहीं आती, उन लोगों को आती है जो लोग देख रहे होंगे, जाहिर तौर पर उन्हें जवाब मिल जाएगा। मेरी बात तो सुनिए, तो उनको ये बोलिए ना कि भारतीय बोलेंगे अपने आप को, भारतीय बोलने में किस बात की शर्म और कैसी शर्म? हम लोग भारत, लोगों ने, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, जिन लोगों ने जाति में बांटा उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, और मिल गया, वो आज इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो आज हमें सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। दूसरी बात ये, दूसरी बात ये, मेरी बात सुनिए, दूसरी बात ये, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, अम्बेडकर क्या नाम था उनका, पूरा नाम बताइए, क्या था, क्या नाम था बताइए ना, बताइए। भीमराव अंबेडकर का नाम नहीं पता आपको? आप, अरे बातें घुमाने के लिए आप जवाब नहीं, मैंने आज जवाब नहीं आपसे पूछ रहा हूँ मैं, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, सुन लीजिए, बहुत हिंदू राष्ट्र चिल्ला रही है ना मुझसे, ये बता, अरे सुनिए, अरे चिल्ला रहे हैं, पहली बात, पहले आपने क्वेश्चन आपने किया, एक मिनट सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, ये बताइए मुझे, ये बताइए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम क्या था? अरे नाम बताइए क्या है, आप बताइए, आप रिपोर्टर, एक मिनट हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, पहले तो ये जवाब सुन लीजिए कि हिंदू राष्ट्र की मांग हम नहीं कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे आए दिन लोग विवादित टिप्पणियां देते रहते हैं, हम भी नहीं चाहते कि फॉलो करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री को, हम भी नहीं चाहते। धीरेन्द्र शास्त्री धीरेन्द्र शास्त्री कौन है, फॉलो करती है आप उसको? गवर्नर है कहीं का, मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर है, कौन है, कौन है? गडकरी जी जैसे लोग मत्था टेकते हैं, तो आप टेकिए ना जाके, एक मिनट मेरी बात सुनिए, आप उसको फॉलो करती हैं? मेरे को तो नहीं पता कि धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान दिया, मैं तो मानता ही नहीं, हु इज धीरेन्द्र शास्त्री, नहीं पता कौन आपको? है, अरे ऐसे बाबा आई दिन सड़कों पर दस घूमते हैं, मैं नहीं फॉलो करता। मैंने आपसे जो क्वेश्चन दिया घुमाइए मत, संबित पात्रा मत बनी, क्वेश्चन का जवाब, संबित पात्रा नहीं बनने, आप बातों पे ही नहीं आना चाहते। मेरी बात सुनिए, मेरी सवाल किया गया, आप उस पे बात करिए, सुनिए मेरी बात सुनिए, आप जो मेरे को कानून और संविधान हैं, मेरी पॉकेट के अंदर ना खुद ये संविधान की पूरा रहती है, ठीक है, किताब मेरे को मत बताइए कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन होता है क्या नहीं, मेरे को ये बताइए बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है, बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है? कांग्रेस को दो मिनट साइड में रखते हैं, आपको भी तो ज्ञान, अरे देश की जनता को इतना तो पता चले, यही मत करिए ना, देखिए सुन लीजिए मेरी बात सुनिए, अरे मेरी बात सुन लीजिए, सवाल पूछे जाएंगे, इनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम नहीं पता, सवाल का जवाब नहीं पता, तो इसलिए बता नहीं सकती, बता दीजिए, अरे बता दीजिए, चलिए मेरे को नहीं पता, मैं मेरे को नहीं पता, आप बता दीजिए, बता दीजिए, सवाल पूछे जाते हैं, अरे आपने पूछा है, सवाल मैंने पूछा है, आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं, कहां से ली उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा, कहां से, एक मिनट, एलएलबी कहां से करी, एलएलएम कहां से करा, एलएलडी कहां से किया उन्होंने, बताइए, तो आप जवाब दे रहे हैं, आप जवाबों से क्यों भाग रहे हैं? अपने घर पर ना रिपोर्टर हर कोई बन जाता है, पत्रकार बनने
से पहले ना पत्रकार बनने से पहले एक काम करिए, अपने घर वालों को बोलिए कि बेहतरीन आपको शिक्षा दें, ठीक है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पढ़े, ठीक है। अंबेडकर जी का जो नाम था ना उनका नाम था, हाँ तो नाम भी नहीं पता आपको, बता दीजिए अभी भी। हम अंबेडकर जी को नाम बता दो, क्या नाम बता दो, ब्राह्मणवादी क्या कहते हैं संविधान की पहली पहली लाइन, ब्राह्मण जैसी सोच को हम बढ़ावा बिल्कुल नहीं देना चाहते। सवाल किए जाएंगे, ब्राह्मणवादी सोच कहाँ से आ गई, आपकी सोच है। आप हिंदू राष्ट्र पर बात कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट पत्रकारों पे कटाक्ष कर रहे हैं। पत्रकार एक मिनट, आप सभी ने देखा है मैंने कोई हिंदू राष्ट्र पे नहीं बोला है, मैंने तो बोला हू इज दिस धीरेन्द्र शास्त्री। मैडम घूमिए मत, अब मैं बताता हूँ, नहीं पता, नहीं पता, नहीं सुन लीजिए, नहीं पता ना तो मुझसे मना कर दीजिए, मैं नॉलेज देता हूँ आपको। सुनिए मुझे पता आप नहीं पढ़े लिखे, मैं बताता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, हाँ बिल्कुल राइट, यस 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 मैम यस। ब्राह्मणवादी सोच की बात कर रही है, अब अंबेडकर जी के बारे में बताने में कहते हैं कि ब्राह्मणवादी सोच, मैं बताता हूँ सुन लीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम था डॉक्टर भीमराव सतपाल, और जो उन्होंने अंबेडकर जो नाम रखा ना वो जो उनके जो गुरु थे उनके सम्मान में उन्होंने नाम रखा, ठीक है। तो नहीं पता आज के बाद याद रख लीजिएगा। दूसरी बात ये, ठीक है, नहीं पता ना संविधान क्या कहता है संविधान की, हाँ तो संविधान ये बस पढ़ेंगे और चिट्ठा ब्राह्मणवादी सोच का ही रखेंगे, मनुवादी सोच का ही रखेंगे। अब शोषण धीरेन्द्र शास्त्री को आप नहीं जानते तो उन पर टिप्पणियां करिए, हम खुद ये आए दिन बात करते रहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री के विवादित बयानों का समर्थन कोई नहीं करता, तो आप बात क्यों करते हैं, चर्चा क्यों करते हैं, सवाल उठते हैं तो सवाल नहीं उठाते हैं। सवाल चलिए बताइए, मैं देखता हूँ सर्चिंग के दिखाता हूँ कौन उठाता है सवाल, बताइए आम जनता सवाल पूछती है, बताइए कौन सी आम जनता है, कहाँ पे यहाँ देखते हैं आम जनता को, कहाँ देखती है लोग जो सनात। आप योगी आदित्यनाथ को जानते हैं या उन्हें भी नहीं जानते, किसे, आप उत्तर प्रदेश हो क्या, ये भी योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ मैं क्या, अभी आपने बोला ये देखिए एक ही शब्द में तीन अलग अलग बातें, पहले बोलती आम जनता फिर कहती है कि योगी आदित्यनाथ, चलिए योगी आदित्यनाथ मैं जानता हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री की बात जब की जा रही थी तो ये सवाल तो योगी आदित्यनाथ से भी किया गया था। अरे भैया योगी आदित्यनाथ जैसे वो क्या कहते हैं, योगी आदित्यनाथ और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबा हर दिन उत्पन्न होते हैं, हर दिन खत्म होते हैं। ये देश बाबाओं की जरूरत नहीं है, इस देश को बेहतर शिक्षकों की जरूरत है, ठीक है ना। बाबाओं की जरूरत नहीं है, बाबाओं की जिसको जरूरत है वो जाए और बाबाओं के पास में। सवाल तो यही है, बाबाओं को बढ़ावा किसने दिया, कौन दे रहा है बाबाओं को बढ़ावा, मैं देता हूँ, मैं देता हूँ क्या, मेरे घर में बन रहा है, मेरे घर में रहता है क्या धीरेन्द्र शास्त्री, कौन है मनुवादी सोच का व्यक्ति, आपको नहीं पता मनु कौन है, बताइए ना, आप बोलिए ना, नाम लीजिए कौन है मनुवादी सोच का व्यक्ति, मैं हूँ। अभी भी जातियों में बटे हुए हैं, तो आप उनसे सवाल करिए, उनको उनसे सवाल करिए ना, उनसे सवाल क्यों नहीं करती है, क्यों सवाल नहीं करती आप उनसे सवाल नहीं, जो लोग जातियों की बात करते हैं, मैंने जाति की बात करी, मैंने कहा कि हु इज धीरेन्द्र शास्त्री, मैं नहीं जानता, मेरे को जानने का मतलब ही नहीं है, मैं प्रोफेसर को जानता हूँ, मैं गोल्ड मेडलिस्ट को जानता हूँ जिन्होंने भारत देश का नाम रोशन किया उनको जानता हूँ, अंबेडकर जी को जानता हूँ, सावित्री बाई फूले को जानता हूँ, ज्योतिबा फूले को जानता हूँ, ठीक है ना, और कर्पूरी ठाकुर को जानता हूँ, राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को जानता हूँ, ऐसे लोगों को मैं जानना ही नहीं चाहता, मैं नहीं जानना चाहता, मैं कभी जानने का सोचता भी नहीं हूँ, मैं नहीं जानता। अरे मैडम कोई मैं धीरेन्द्र शास्त्री सत्ता में गवर्नर है कहीं का, मजिस्ट्रेट है, क्या है, सरकार उठा के, अरे जिस दिन मुकदमा दर्ज हुआ ना उठा के अपने आप जैसे चार बंद हो गए ना, अपने आप इनकी बोलने की औकात खत्म हो जाएगी। ये देश संविधान से चलता था, चलता है और चलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो आप देख लीजिए मेरे साथ मोहित शर्मा थे जिनसे हमने कई सारे मुद्दों पर बातचीत करी है, तो जाहिर तौर पर मोहित शर्मा का भी यही कहना है कि ये देश संविधान से चलता था, है और रहेगा। हालांकि अब जब इन्होंने ये लाइन कही है तो योगी आदित्यनाथ की भी वो लाइन याद आ गई होगी जब वो कह रहे थे कि ये देश सनातनियों का था, है और रहेगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा या नहीं या संभव अरे सी बात है। आप मुझे बताइए, मुझे एक बात आप मुझे बताइए, संविधान में क्या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या सनातनियों को पालन नहीं करने दिया था, क्या नहीं करने दिया था, सब चीज तो हो रही थी संविधान में, क्या नहीं है। डेमोक्रेसी के अंतर्गत हिंदू को मंदिर जाने की इजाजत है, मस्जिद में मुसलमान को जाने की इजाजत है, सिख को गुरुद्वारे में जाने की इजाजत है, ईसाई को चर्च में जाने की इजाजत है, तो संविधान से तकलीफ कैसी, संविधान से तकलीफ कैसी, तकलीफ है नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना, योगी आदित्यनाथ जो बोल रहे हैं कि सनातनी, अरे तकलीफ कैसी, संविधान जब था संविधान तो सबको इजाजत देता है, डेमोक्रेसी तो इसी को कहा जाता है, लोकतंत्र में धर्म निरपेक्षता की आजादी है मैडम, हर किसी को अपने धर्म को मानने की आजादी है, ये हमें योगी आदित्यनाथ थोड़ी बताएंगे। और दूसरी बात ये कि हम लोग मंदिर और मस्जिद जाने वाले लोग नहीं है, हम लोग स्कूल और कॉलेज जाने वाले लोग हैं, हम इस शिक्षा पे एजुकेशन पे हम चर्चा करना चाहते हैं, मंदिर और मस्जिद पे नहीं, मंदिर और मस्जिद में नहीं बैठेगा। हालांकि 2024 का मुद्दा भले ही सरकार का राम मंदिर हो, लेकिन ये कह रहे हैं साफ तौर पर कि ये देश नहीं बटेगा, ये देश संविधान से ही चलेगा और बात संविधान की ही की जाएगी। हालांकि ये तो 2024 की शुरुआत मात्र हुई है, अब आप देखिए राहुल गांधी जैसे तमाम मसले आपके सामने आएंगे और उस पर जनता वोट की चोट से कैसा जवाब देखती है वो देखना दिलचस्प रहेगा। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें।